हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है। हमारे देश में भी इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसलिए जो लॉकडाउन है वो और आगे बढ़ा दिया है। लेकिन आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो तो इसके लिए हमारा जो स्कूल है मॉडल कैंप, वो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था कर चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, लॉर्ड कृष्णा क्लासेज, ये एक यूट्यूब चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर आपको क्या है, हर रोज़ हर सब्जेक्ट की वीडियोज मिलती रहेंगी, जिसको आप घर बैठकर आराम से देख सकते हैं। वीडियोज देखने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो आप रिवाइंड करके बार बार इसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम 10th SST का पहला, हिस्ट्री का जो पहला लेसन है वो हम पढ़ेंगे। लेसन का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, साधारण शब्दों में राष्ट्रवाद का अर्थ है देश प्रेम, देशभक्ति की जो भावना है। तो देशभक्ति की जो भावना है उसका यूरोप से क्या लेना देना है। जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो नेशनलिज्म की जो शुरुआत है वो यूरोप से ही हुई थी। वैसे नेशनलिज्म का जो दौर है वो हम 1830 से लेकर 48, इस समय को नेशनलिज्म का दौर कहा जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी क्रांतियाँ हुई थी, इसमें बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। लेकिन उससे भी पहले, जहाँ से हमने लेसन की शुरुआत करनी है, 9th में भी यही टॉपिक था। 9th में क्या था, हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के बारे में, जो कि 1789 में आरंभ हो गई थी। तो फ्रांस ऐसा पहला देश था जहाँ पर मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके गणतंत्र, या कहें कि डेमोक्रेसी जो है वो लागू कर दी गई थी। वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में कारण पढ़ते कि वो क्रांति हुई क्यों थी, उसके बाद में हम इसको धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो उस क्रांति के जो है बहुत सारे कारण थे। क्या है, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति एकदम से नहीं हुई, जैसे हमारे देश में भी क्रांति हुई थी, तो क्रांति एकदम से नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। तो कारण क्या थे, सबसे पहले है पॉलिटिकल कारण, जो राजनीतिक जो परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों, क्योंकि फ्रांस के अंदर था राजतंत्र, मोनार्की सिस्टम था, वहाँ पर जो है बर्बन जो है राजवंश के राजा थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि लुई 14वां, 15वां, लुई 16वां, इस राजवंश के, जैसे हमारे देश में थे ना गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, मुगल राजवंश, ठीक है, तो इसी तरह से बर्बन राजवंश था। वो निरंकुश राजा थे, जनता की नहीं सुनते थे। लुई 14वां तो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सारे पद पैतृक थे, नए लोगों को मौका नहीं मिलता था, या फिर कोई अच्छा पद प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। कानून के सामने सभी लोग समान नहीं थे, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो इस प्रकार की जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, जैसे कि जो रानी थी वो हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा करती थी राजकीय कार्यों के अंदर। तो इस प्रकार जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा जो कारण है सोशल, जो सामाजिक कारण है, उसमें जो सामाजिक ढांचा था वो हमारे देश से थोड़ा अलग था। उसमें क्या है, पूरा जो यूरोप है, खासकर अगर फ्रांस की बात करें, तो वो तीन स्टेट के अंदर, तीन वर्गों के अंदर बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर आते थे पादरी, ठीक है, उनकी संख्या लगभग कितनी थी, 100,000। जो पोप था, जो पादरी थे, जो बिशप थे, आर्क बिशप थे, वो सब लोग, तो लगभग उनकी संख्या 100,000 थी। और उनके पास 20% देश की 20% जमीन जो है उनके पास थी। दूसरा वर्ग कौन सा था, वो था बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, भूमिपति थे, जो सामंत थे, उनकी संख्या लगभग 400,000 थी, और पूरी ज़मीन का उनके पास था 25%। और जो बाकी जो पूरा यूरोप, जो फ्रांस बच गया, उसकी जनसंख्या कितनी थी, 2,70,000 लगभग, ठीक है। और उसके अंदर कौन थे, मजदूर थे, किसान थे, डॉक्टर थे, टीचर थे, जो अन्य जो वर्ग बच गए वो सभी। अब दिक्कत क्या थी, जो टैक्स पेयर है,
सिर्फ ये लोग टैक्स पे करते थे। सॉरी मैंने जो ये है करोड़ गलत लिख दिया, ठीक है। तो क्या है, टैक्स ये पे करते थे, इन लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, जबकि जमीन इनके पास ज्यादा थी, ठीक है। तीसरा कारण जो है वो इकोनॉमिकल, आर्थिक कारण, आर्थिक, ये सबसे ज्यादा क्या कहेंगे हावी हो गए थे लोगों के ऊपर। क्या है, भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी उस समय, जो है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी फ्रांस के अंदर, सर्दी ज़्यादा पड़ने के कारण क्या हुआ, फसलें बर्बाद हो गई, लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। मशीनीकरण आ गया था, मशीनें आ गई थी, नए नए उद्योग लगना शुरू हो गए थे, तो जो लोग हाथ से काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ने लगी, जनसंख्या एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। अगर बात करें 1700 में, तो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो लगभग 2 करोड़ थी, और 1789 में कितनी थी, 2.70 करोड़, लगभग 30% जो है वो इंक्रीज हो गई थी। लेकिन इतने ज़्यादा काम मिले नहीं लोगों को, काम ना मिलने की वजह से क्या है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, लोग चीज़ें जो आम ज़रूरत की चीज़ें थी वो नहीं खरीद पा रहे थे। और चौथा कारण जो है वो फिलोसॉफिकल, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। फिलोसॉफिकल क्या है, उसमें जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था, तो बहुत सारे जो थे जैसे कि रूसो था, वाल्टेयर था, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि रूसो है, रूसो के नाम आप लोगों ने सुना होगा, रूसो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने किताब लिखी थी सामाजिक समझौता, ठीक है। सामाजिक समझौते में उन्होंने बात कही थी दैवीय अधिकार, जो राजा के जो दैवीय अधिकार थे उनके ऊपर प्रहार किया, क्योंकि राजा क्या कहते थे कि देवताओं ने उनको यहाँ पर राज करने के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा कि कौन से देवता ने कब ये बात कही है, तो लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। उसके बाद थे वाल्टेयर, वाल्टेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। वाल्टेयर ने कहा कि लोगों को स्पीच का अधिकार होना चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने विचारों को रखने की लोगों को आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद था मॉन्टेस्क्यू, आप लोगों ने सुना होगा, जॉन लॉक था, जॉन लॉक ने क्या है कहा कि जनता को अधिकार होने चाहिए, जनता को वोट डालने का अधिकार हो। उन्होंने तो यहाँ तक की कहा कि यदि कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए, और इस प्रकार की बातों का जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जनता कहती है कि हाँ इस प्रकार के अधिकार तो हमें होने चाहिए। उसके अलावा वाल्टेयर थे, बहुत सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी थी, और लोगों ने उनकी बातों को पढ़ना, किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उस समय एक और सिस्टम जो था उसकी शुरुआत हो चुकी थी, खासकर जो पेरिस है, पेरिस में क्या है जो सैलून सिस्टम है वो शुरू हो गया था, जैसे कि आजकल जो हेयर सैलून है, तो उस समय वो सैलून बनना शुरू हो गए थे, और लोग वहाँ पर क्या करते थे, बैठकर विचार विमर्श करते थे, काफ़ी लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि उसमें लोगों को समय गुजारने के लिए टीवी रेडियो तो था नहीं, तो मनोरंजन करने के लिए वो आपस में बैठकर हंसी मजाक करते थे। तो वहाँ पर अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी क्या है, जो पढ़ा लिखा है वो अखबारों को किताबों को जोर जोर से पढ़कर लोगों को सुनाता था। तो इस प्रकार रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक के जो विचार हैं वो जनता तक पहुंचने शुरू हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है धीरे 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 लोगों में क्रांति करने के विचार उत्पन्न होने शुरू हो गए। तो हम देखते हैं कि शुरुआत हुई कैसे। अगर हम बात करें राजाओं की, तो लुई चौदहवां है, वो खुद को क्या कहता था, मैं ही राज्य हूँ। उसने लगभग क्या है 70 साल तक राज किया। वो गद्दी पर जब वो 5 वर्ष का था तभी बैठ गया था 1643 में, और 1715 तक उसने राज किया। हालांकि राज तो उसने शुरुआत कब की, जब वो बालिग हो गया था, लेकिन गद्दी पर वो 5 वर्ष की आयु में ही बैठ गया था। उसने बहुत सारा युद्ध किए, युद्धों में के कारण क्या हुआ, जो देश है उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसके बाद आया लुई 15वां, वो भी उसी प्रकार का था, उसने भी बहुत सारे युद्ध किए,
उसके द्वारा युद्ध किए गए युद्धों में एक युद्ध काफ़ी फेमस है जिसको 7 वर्षीय युद्ध कहते हैं, जो कि इंग्लैंड के साथ चला था। इस युद्ध में फ्रांस हार गया, तो जिसके कारण क्या है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, 7 साल तक कोई युद्ध चला। और जब ये युद्ध चला तो इंग्लैंड को भी लॉस हुआ, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया, अपना लॉस पूरा करने के लिए अमेरिका के अंदर टैक्स बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा था। और बाद में अमेरिका में भी क्रांति हुई। इधर फ्रांस ने अपना खर्चा पूरा करने के लिए फ्रांस की जनता के ऊपर खर्च बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिए, तो जिससे क्या है फ्रांस में भी आगे चलकर क्रांति हुई। और जो 1789 में जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां, लुई 16वां। फ्रांस भाषा के अंदर क्या है, फ्रेंच भाषा के अंदर जो लास्ट वर्ड है वो मोस्टली क्या है, साइलेंट रहता है। तो लुई जो 16वां था वो भी इसी प्रकार का राजा था, उसने भी बहुत सारे युद्ध किए। क्या है, जब इंग्लैंड का और अमेरिका का युद्ध चला हुआ था तो इसने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया था। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने इसको कहा नहीं, उसके बावजूद भी क्या है लुई 15वें के काल में फ्रांस का और इंग्लैंड का युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस हार गया था। तो इस हार का बदला लेने के लिए लुई 16वें ने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया। तो उसमें क्या हुआ, अमेरिका जीत गया, अमेरिका आज़ाद हो गया, इंग्लैंड को लॉस हो गया। उसके बाद क्या है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था देश के ऊपर, देश की पूरी जीडीपी का लगभग 50% जो है वो तो कर्ज चुकाने के अंदर ही चला जाता था। तो इसके लिए क्या किया, फिर इसने स्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई 175 साल में, 175 साल में पहली बार मीटिंग बुलाई गई। इससे पहले मीटिंग इसने नहीं बुलाई थी, किस किस की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों स्टेट्स की इसने मीटिंग बुलाई। जो फर्स्ट स्टेट्स था उससे जो डेलीगेट्स आए, जो उनके जो लोग आए थे वो आए थे 300, और जो सेकंड थे वहाँ से भी 300 आए। लेकिन जो थर्ड स्टेट थी जिसके अंदर आम लोग आते थे, जो खुद वाकई में जो टैक्स पेयर थे, जो टैक्स देते थे, वो आए 600। कारण क्या है, उन्होंने क्यों आवाज़ उठाई, क्योंकि इनके तो वोट गिने जाते थे, एक वोट इसका, एक एक इसका, एक इसका, ठीक है, लेकिन टैक्स केवल ये पे करते थे। तो ये लोग तो टैक्स बढ़ाने के लिए यस बोल देंगे, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो टैक्स देना है नहीं, टैक्स इनको देना है। तो कई दिन तक बात चलती रही। बात चलने के बाद क्या है, जो वर्साइलेस का जो महल था लुई 16वां जिसके अंदर रहता था, पेरिस से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही था, बहुत बड़ा महल था, वहाँ पर लगभग क्या है 15,000 नौकर थे केवल जी हजूरी करने के लिए। तो कितना पैसा जो है बर्बाद कर रहा था राजा, ठीक है, जो रानी थी मेरी अंतियानित, जो लुई 16वें की जो महारानी थी, जो ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी, वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी और पॉलिटिकल जो मामले होते थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप वो करती थी। तो उसको छोड़ते हैं, क्या है, तो कई दिन वाद विवाद चलता रहा, तो ये लोग नहीं माने। तो क्या किया राजा ने, एक दिन क्या किया, जो महल के अंदर जो है वो गेट बंद करवा दिया, इनको बाहर ही रखवा दिया। तो यहाँ से लोग क्या है नाराज़ हो गए, जो ये स्टेट जर्नल के जो लोग थे, जो डेलीगेट्स आए थे, इन्होंने क्या किया, जो पास में ही उस महल के पास में एक टेनिस कोर्ट था वहाँ पर चले गए और वहाँ पर शपथ ली। ये कब की बात है, 1789 की बात है, यहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने कहा, अपने आप को स्टेट जर्नल घोषित कर दिया, उसने कहा कि हम नहीं मानते राजा को और हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये बात जो है धीरे 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 पूरे फ्रांस के अंदर फैल गई, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो पूंजीपति थे, जो सामंत थे, उनके घरों पर हमला करना शुरू कर दिया, उनके कागजों को जलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे सामंत तो भागकर इधर उधर आस पड़ोस के देशों में चले गए। तो लोगों ने धीरे धीरे क्या है आज़ादी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में या पूरे यूरोप में, पूरे यूरोप के अंदर अगर यूके को मिला दे तो लगभग 44 कंट्रीज हैं, तो पहली बार मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी आई। यहाँ पर लोगों के चुने हुए जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा के पद को समाप्त नहीं किया, इन्होंने राष्ट्र का जो अध्यक्ष था वो राजा को ही रखा, ठीक है। इसी बीच जो है क्या है, जैसे कि भारत के अंदर
1885 में कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना हो गई थी, उसके विरोध में जो है मुस्लिम लीग एक पार्टी है, दोनों के विचार जो है वो अलग थे। तो ऐसे ही दो क्लब बन गए फ्रांस के अंदर, एक है जैकोबिन्स क्लब और एक है जिरोंडिस क्लब। तो उनके अंदर भी मतभेद चलते रहते थे। तो इन्होंने राजा के पद को जारी रखा, जबकि जो दूसरा क्लब है वो इस बात से सहमत नहीं था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और 1889 से लेकर 1789 से लेकर 1791 तक नेशनल असेंबली ने जो है रूल वहाँ पर करना शुरू कर दिया और एक नया जो है वो क्या कहेंगे संविधान बनाने की प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी। जब इनका संविधान बन गया तो इन्होंने अपने आप को जो है नेशनल असेंबली ने लेजिस्लेटिव असेंबली घोषित कर दी। इन्होंने नया कानून बना दिया, नए कानून के अंदर इन्होंने क्या है कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं किए, जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया और जो राजा है उसके पद को जारी रखा। लेकिन जो जिरोंडिस क्लब था वो इस बात से सहमत नहीं था। और इसी बीच क्या हुआ, एक दिन जो है भुखमरी के कारण महिलाओं को पता चला, उसमें नारीवाद भी काफ़ी हावी हो गया था, नारीवाद का भी टॉपिक भी इसके अंदर ही आएगा। तो बहुत सारी महिलाओं ने जाकर जो महल था वहाँ पर उनको पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी चली हुई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना जो है वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब वो महिलाएँ वहाँ पर पहुँची तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो खाली हाथ नहीं गए बल्कि राजा और रानी को अपने साथ पेरिस ले गए। उन्होंने कहा कि आप पेरिस में रहें, इस महल में ना रहें। बाद में राजा लुई जो 16वां था उसकी पत्नी ने वहाँ से भागने की भी कोशिश की गई, बाद में राजा के ऊपर अभियोग चलाया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद क्या हुआ, ये काम नहीं कर पाई। क्या है, क्योंकि राजा को मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, दोबारा से चुनाव हुए और दोबारा से चुनाव होने के बाद जो है वो जो जिन्होंने रूल करना शुरू कर दिया उसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या है, एक तरह से उन्होंने अपने जैसे कि मंत्रिपरिषद होती है मंत्रिपरिषद बना दी, 21 मंत्री जो हैं वो बना दिए, मंत्री की तरह ही उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। और इन्हीं के अंदर एक नाम है, उसका नाम है मैक्सिमिलन। मैक्सिमिलन काफ़ी जो है कट्टर था, जो भी देश के खिलाफ आवाज़ उठाता था या उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाता था उनको मौत के घाट उतार देता था। उसने फांसी देने के रूल को भी बदल दिया, बल्कि उन्होंने एक नई मशीन बनवाई गला काटने की जिसको गिलोटिन बोलते हैं, जिसमें नीचे व्यक्ति को लटाकर ऊपर से जो एक ब्लेड आता था वो उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता था। तो उसकी उसने शुरुआत की, लगभग एक वर्ष के अंदर उसने क्या है 16,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसलिए इसको क्या है आतंक का दौर भी कहते हैं, एक वर्ष तक बहुत ज़्यादा आतंक जो है चलता रहा देश के अंदर। उसके बाद इस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, खुद जो मैक्सिमिलन है उसको भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि जो अन्य जो मंत्री थे उन्होंने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, हर रोज़ कम से कम भी वो 40-50 लोगों को मौत के घाट उतार देता था। तो बाद में उसको खुद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद क्या है डायरेक्टरी रूल आया, क्योंकि इस काम ये जो नेशनल कन्वेंशन थी इसने कोई अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो क्या है डायरेक्टरी रूल जो है वो आया, 5 डायरेक्टर बनाए गए ताकि कोई निरंकुश ना हो और उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। और ये जो इतने समय के अंदर ये जो प्रोसेस चली हुई थी लगभग 8-9 साल जो हो गए थे, इसी समय के अंदर क्या है जो नेपोलियन था जो सेना अध्यक्ष था फ्रांस का वो बाहर गया हुआ था, युद्ध चलते रहते थे फ्रांस के, बहुत ज़्यादा युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध जीते। तो जब नेपोलियन को पता चला देश की कंडीशन के बारे में तो वो देश के अंदर वापस आया और उसने 1789 में पावर को जो टेक ओवर कर लिया। ठीक है, और जो है 3 काउंसिल बना दिए और खुद जो है मुख्य काउंसिल वो बन गया। मुख्य काउंसिल बनने के बाद उसने बहुत ज़्यादा सुधार किए। 1804 में उसने क्या है एक कानून बनाया, कानून का नाम था सिविल कोड। इसमें उसने कुछ अच्छे काम भी किए कुछ बुरे काम भी किए। अच्छे काम ये किए कि जैसे कि उसने जो टैक्सेशन सिस्टम है जो आंतरिक जो देश था उसके अंदर जो टैक्स लगते थे उनको समाप्त कर दिया, क्योंकि व्यापार करने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, व्यापारियों को अपने संगठन बनाने की छूट
दे दी गई। लेकिन उसके साथ गलत क्या किया, उसने सेंसरशिप लागू कर दी कि उसे पॉलिटिकल से जुड़ी कोई खबर है वो बाहर ना पहुंच पाए देश तक। तो यही कारण था कि दूसरे देश जो आस पड़ोस के देश थे उनको जो बुराई थी जो नेपोलियन की उसका पता नहीं चला, और इसीलिए वो शुरुआत में नेपोलियन की सेना का जो है वो वेलकम करते थे। दूसरे इसने क्या किया, सभी को फौज में भर्ती होना कंपलसरी कर दिया, जबकि ऐसा सही नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं उनको और कार्य करने होते हैं, लेकिन इसने कहा कि सभी लोगों को सेना के अंदर भर्ती होना पड़ेगा। तो इसकी जो पावर है इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो दूसरे देश थे आस पड़ोस के जो देश थे यूरोप के, उनको लगा कि हमारे देश में कुछ ऐसा ना हो जाए, वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम जो है चलता रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो पर्सिया था, रशिया था, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, इन्होंने एक गुट बनाया और इन चारों देशों की जो सेना थी, इकट्ठी जो सेना थी, उन्होंने नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर दिया। और 1815 में जो वाटरलू की लड़ाई हुई उसमें नेपोलियन हार गया और वीना की संधि के अंतर्गत जो सिविल कोड था उसको रद्द कर दिया। ठीक है, सिविल कोड को रद्द कर दिया, नेपोलियन को पद से हटा दिया। नेपोलियन को पद से हटाने के बाद फिर से लुई 17वें को जो है वो वहाँ का राजा बना दिया। तो धीरे धीरे क्या है, पहले देश के अंदर वो था राजतंत्र था, राजतंत्र को समाप्त करने के बाद डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन फिर से राजतंत्र आ गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, शुरुआत हो गई। ठीक है, शुरुआत होने के बाद क्या है, आगे आने वाले 1830 से लेकर 48 के बीच में बहुत सारे जो देश हैं वो आज़ाद हुए। इसी लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, नारीवाद क्या है, मारियान और जर्मेनिया, जैसे भारत के अंदर हम भारत माता बोलते हैं वैसे ही फ्रांस के अंदर मारियान थी, जर्मनी के अंदर जर्मेनिया थी, वो हम अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको जो होमवर्क है वो PDF फाइल के अंदर भेज दिया जाएगा। थैंक यू।